ये देखिए टोटली पूरा क्रीमी पीनट बटर बन चुका है हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक पीनट बटर की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर हम इतना महंगा पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमको कुछ उसका सोल्यूशन बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ बेस्ट होममेड पीनट बटर की रेसिपी, जो कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया पीनट बटर कैसे बनाए, पीनट बटर घर पे कैसे बनाते हैं। तो उन सब का जो आप सबका आंसर था, आज फाइनली वो वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको लाइव पीनट बटर बना के दिखाऊंगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको एक वेइंग स्केल चाहिए और उसके बाद पीनट्स चाहिए थोड़े से, कि अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम, और सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक मिक्सी चाहिए, मिक्सी आप ग्राइंडर इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। और पीनट बटर को हमको रोस्ट करना है। जैसे आप पीनट्स को इसमें डाल दिया, इसको प्रॉपरली रोस्ट करना है। इतना ध्यान रखना कि इसको जला मत देना, प्रॉपरली पूरा रोस्ट करना है। तवे पे रख सकते हो, कोई पैन में रख सकते हो आप, एंड इसको प्रॉपरली इसको हिलाते रहना है ताकि किसी भी एक साइड से पूरा जल ना जाए, क्योंकि उसका टेस्ट जो होगा वो बाद में गंदा आ सकता है। फिर जब ये रोस्ट हो जाते हैं, इसको आपको डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल देना है या मिक्सी में डाल देना है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ग्राइंडर यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्राइंडर में इजीली वहाँ पे मैश हो सकता है। और अभी आपको भरा भरा लगेगा, लेकिन बाद में जब इसका पेस्ट बनेगा तो ये पूरा इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। देन इसके बाद आपको मिक्सी पे लगा देना है और इसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर देना है। और जैसे आप ग्राइंड कर लेंगे इसको, आप देखेंगे इसकी पाउडरी फॉर्म हो रही है। आप जितना इसको ग्राइंड करेंगे उतना ज़्यादा इसमें से ऑयल रिलीज होगा और उतना ही क्रीमी बनेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्रीमी चाहते हो या क्रंची चाहते हो। ये देखिए जैसे जैसे आप इसको वो कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको ग्राइंड कर रहे हैं, इसका जो ऑयल है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। अगर आप पीनट बटर को क्रंची रखना चाहते हैं तो आप कम उसको ग्राइंड कीजिए, अगर आप ज़्यादा क्रीमी चाहते हैं। ये देखिए ये जो टेक्स्चर है ये क्रंची टेक्स्चर है। अगर आप इसको और ज़्यादा ग्राइंड करते हैं तो ये स्मूथ टेक्सचर में आपको मिल जाएगा। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रंची पीनट बटर चाहते हैं या स्मूथ पीनट बटर चाहते हैं, जो कि क्रीमी टेक्सचर होता है जिसका। और इसमें आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं, टोटली ऑप्शनल है। बट शुगर भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। देन इसको इसमें सॉल्ट डाल के हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे, एंड जो इसका टेक्सचर आएगा वो इतना ज़्यादा क्रीमी आएगा, आप घर के पीनट बटर में और जो मार्केट में आपको मिलता है उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कैसा पीनट बटर आपको मिल रहा है देखने को। ये देखिए टोटली पूरा क्रीमी पीनट बटर बन चुका है हमारा, क्रीमी टेक्सचर आ चुका है यहाँ पे। अगर आप क्रीमी टेक्सचर नहीं चाहते हो तो इसको थोड़ा सा कम ग्राइंड करना, ज़्यादा ग्राइंड मत करना, जितना ज़्यादा इसमें से ऑयल निकलेगा उतना ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका होममेड हेल्दी पीनट बटर, ईजिएस्ट रेसिपी, अंडर 50 रुपीज़, आप कितना भी बना लो घर पे, आपके बजट में हमेशा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पीनट बटर की जो होममेड रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन सबके साथ जो भी घर पे पीनट बटर बनाना चाहते हैं, इनफैक्ट हेल्दी पीनट बटर बनाना चाहते हैं, कोई भी एडिटिव्स इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।